वेलकम टू ऑल टू माय चैनल पॉलिटेक गुरु, दिस इज नवीन कुमार। प्रीवियस सेक्शन में जहां पर हमने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में डोमेस्टिक पार्ट की बात की थी, जहां पे हमने एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड फिटिंग की बात की थी या कॉमर्शियल बिल्डिंग की बात की थी, नाउ टुडे सेगमेंट में हम डील करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स कि मोटर की वायरिंग कैसे इंस्टॉल की जाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में या हैवी इंडस्ट्री में, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि वायरिंग एक सिंगल मोटर की कैसे करेंगे एंड सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जब हम मोटर की वायरिंग या इंस्टॉलेशन की बात करेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर एक से ज़्यादा मोटर लगी है वहाँ पर भी। तो अगर आप मोटर सर्किट वायरिंग की सिंपल बात करें कि सिंगल अगर मोटर कनेक्टेड है तो उसकी वायरिंग कैसे की जाती है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि लार्ज फैक्ट्री में जहाँ पे कई सारी मोटर कनेक्टेड है वहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो अगर मोटर सर्किट वायरिंग सिंगल फेज मोटर के केस में हम करने जा रहे हैं, सो इन दैट केस द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ दिस मोटर सर्किट वायरिंग इज गिवन ओवर हेयर, जहाँ पे आप देखिए कि जो सभी मोटर्स होती हैं वो कंट्रोल की जाती हैं एक मेन स्विच से, ठीक है। अगर आप थ्री फेस मोटर की बात करें तो वहाँ पे आपको ट्रिपल पोल स्विच की ज़रूरत पड़ेगी एंड फ्यूज सारे फेजेस में आपके कनेक्टेड होंगे, बट द थिंग इज़ कि सिंगल लाइन डायग्राम जो होगा मोटर का वो ऐसे होगा। साइज ऑफ स्विच और फ्यूज यूनिट की अगर हम बात करें या स्टार्टर की बात करें तो वो डिपेंड करेगा इस मोटर की रेटिंग पे, कितने एचपी की मोटर है, क्या इसकी रेटिंग है, इस रेटिंग पे डिपेंड करेगा कि ये जो आपने फ्यूजेस लगाए हुए हैं मोटर्स मेन स्विच है या मोटर स्विच है ये या स्टार्टर है, इनकी रेटिंग्स इस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। कंड्यूट की हम अगर बात करें ये कंड्यूट भी आपके जिस कंड्यूट में आप ये वायरिंग कर रहे हैं जिस कंड्यूट में ये वायरिंग ले जाएंगे ये भी आपके डिपेंड करेगा इस मोटर की रेटिंग पे। सो पीवीसी केबल और जितने भी ये सुटेबल वायर्स होते हैं वायरिंग के लिए, इन सब की कैलकुलेशन का एक चार्ट बना हुआ है आपकी बुक्स में, उसको देख लीजिएगा कि किस मोटर की बेसिकली रेटिंग का मतलब है उसकी करंट रेटिंग। तो करंट रेटिंग पर डिपेंड करेगा कि आपके इस कंड्यूट की क्या साइज होगी, उस पर डिपेंड करेगा। लार्ज कैपेसिटी मोटर में या थ्री फेज मोटर में जहाँ पे थ्री फेज और न्यूट्रल वायर गवर्न कर रहा है या रन कर रहा है वायरिंग में, वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल हम जनरली यूज़ करते हैं एंड दैट केबल इज टोटली इनक्लोज इन अ वेरी हैवी गेज कंड्यूट, ठीक है। तो और यहाँ पर जब मोटर कनेक्शन पे बात आते हैं या मोटर के टर्मिनल की बात आती है तो यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल कंड्यूट को यूज़ कर सकते हैं मोटर के कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ सिंगल मोटर। व्हाट विल हैपन इफ वी कंसीडर अ लार्ज वर्कशॉप और अ फैक्ट्री जहाँ पे कई सारे मशीनें कनेक्टेड हैं अलग अलग कैपेसिटी के और अलग अलग मोटर से वो इंस्टॉल की जा रही हैं। सो इन दैट केस पावर सभी मशीनों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो मेन स्विच बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूट होगा और उनके कन्वीनियंट पोजिशन तक वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेट सी द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ या कह सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर इंडस्ट्री जहाँ पे कई सारे आपके मोटर एक साथ कनेक्टेड हैं या एक साथ वर्क कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए एक पावर इंडस्ट्री या लार्ज इंडस्ट्री की बात की गई है, तो ये सिंगल लाइन डायग्राम आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन का है लार्ज इंडस्ट्री के केस में, जिसमें एक सर्किट ब्रेकर के थ्रू आपकी पावर आई मेन स्विच बोर्ड पे, मेन स्विच बोर्ड में जहाँ पे आपके ये देखिए स्विच फ्यूज यूनिट्स कनेक्टेड हैं, दीज आर योर फ्यूज, ठीक है, यहाँ से आपके कनेक्टेड है। कुछ आपने स्पेयर रखा हुआ है आप इन फ्यूचर इंस्टॉल कर सकते हैं और लाइक एक से टर्मिनल से आपने एक सब स्विच बोर्ड को दे दिया सप्लाई SSB 1 को और इधर से आपने एक सब स्विच बोर्ड SSB 2 को सप्लाई दे दिया। अगेन SSB 2 से या 1 से आप यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे आपने सप्लाई दी हुई है, तो SSB 1 से आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1 एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2 दिया है और ये फिर से आपने कुछ यहाँ पे
स्पेयर कर रखा हुआ है। सेम एज SSB 2 से भी आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिया हुआ है, लेट दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 3, आप एक यहाँ भी दे सकते हैं और ये आपके जो हैं ये आपके स्पेयर में रखे गए हैं इन फ्यूचर इंस्टॉलेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1 से 2 से और 3 से देखिए आपने फ्यूज देन स्टार्टर देन मोटर को कनेक्ट किया हुआ है, सेपरेट मोटर को एक सेपरेट लाइन से दिया हुआ है। लाइक वी हैव 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये आपके कुछ 10 मोटर्स का कनेक्शन दिया गया है। अगर आपके मोटर्स की वैल्यू या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे नंबर ऑफ मोटर्स और भी कनेक्टेड है इसमें इंडस्ट्री में, सो वी कैन ईजिली टेक द टर्मिनल ओवर हेयर और वहाँ से एक और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्रिएट करके यहाँ मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। या डायरेक्टली कुछ अगर हैवी रेटेड मशीन्स हैं लाइक ये सब स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच बोर्ड, सबकी करंट रेटिंग डिफरेंट है, सबके कंड्यूट के साइज डिफरेंट है और सबके क्या कहते हैं सबके जो आप PVC केबल के साइज है वो भी डिफरेंट है। तो अगर हैवी रेटेड मशीन्स होंगी लाइक इसके PVC सपोज करिए 100 एम्पियर का इसका रेटिंग है, यहाँ पे मान लीजिए 60 एम्पियर रेटिंग का है, यहाँ पे मान लीजिए 30 एम्पियर रेटिंग का है। सो अगर आपको 100 एम्पियर रेटिंग वाले स्टार्टिंग करंट की वैल्यूज़ के चाहिए मोटर कनेक्टेड करनी है तो आप यू कैन ईजिली डायरेक्टली कनेक्टेड अ मोटर फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सेम आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ईजिली आपका चलता रहेगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हैं आपकी, एक आपने सिंगल लाइन डायग्राम देखा, आपने सिंगल मोटर जब इंस्टॉल की जाती है उसका, और दूसरा आपने सिंगल लाइन डायग्राम देखा जब आप लार्ज इंडस्ट्री में बात करते हैं जहाँ पे कई सारी मोटरें कई सारे वर्क करने के लिए इंस्टॉल की गई हैं, सेपरेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सबको चाहिए, तो उसका ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम है। नाउ इन दिस केस ईच मोटर हैज़ टू बी कंट्रोल्ड सेपरेटली फ्रॉम द मेन स्विच थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। सारी मोटरें यहाँ पे सेपरेटली आपके कंट्रोल की जाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, ठीक है। सो दिस इज़ योर सिंगल लाइन डायग्राम। नेक्स्ट वी हैव डिज़ाइन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन स्मॉल इंडस्ट्री। अगर जो आगे वाले सेगमेंट हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या आपके डिज़ाइन के कंसिड्रेशन हैं जब हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करने जाते हैं किसी भी स्मॉल इंडस्ट्री में। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट विच इज़ मोटर करंट। ओके, जब हम कंसिड्रेशन करते हैं या डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट जो हम कंसिडर करते हैं कि क्या मोटर की करंट है, किस मशीन को आप इंस्टॉल करने जा रहे हो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी मोटर करंट क्या है। सी मोटर जब आपकी अभी स्टार्ट होती है, जैसे ही आपकी मोटर स्टार्ट होती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मोटर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करती है, ठीक है। दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को ही हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग करंट, विच इज़ यूजली ग्रेटर देन इट्स फुल लोड करंट। फुल लोड करंट क्या मतलब क्या होता है, जब मोटर अपनी फुल लोड स्पीड को रीच कर जाती है या पहुंच जाती है तो एक रेटेड हॉर्स पावर को वो डिलीवर करती है ना। उस रेटेड हॉर्स पावर के डिलीवरिंग के टाइम आपकी फुल लोड करंट मशीन में रन करती है। सो स्टार्टिंग पोजीशन पे जब मशीन आपकी रन करी होती है उस पर्टिकुलर केस में आपका जो करंट होती है वो हाई होती है, इन कंपेयर टू जब मशीन आपकी एक फुल रेटेड पावर को गवर्न कर रही होती उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो फुल रेटेड पावर का मतलब यहाँ पर दो पॉइंट है, एक है स्टार्टिंग करंट जो आपकी मशीन की स्टार्टिंग की पोजीशन पे करंट आती है और दूसरा आपका है फुल लोड करंट। ये आपका जब मशीन आपकी फुल रेटेड पावर को डिलीवर करती उस पर्टिकुलर टाइम पर, ये आपका फुल लोड करेंट ना। अगर आप केबल की साइज़ का या केबल की रेटिंग का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर आप इस फुल लोड करेंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि फुल लोड करंट मशीन की क्या है, उस पर्टिकुलर रेटिंग के अकॉर्डिंग ही हम केबल को डिसाइड करेंगे कि कितनी रेटिंग का, कितने करंट रेटिंग की केबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उस सर्किट में जो फ्यूजेस कनेक्टेड है आप उसकी रेटिंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो उसकी रेटिंग के लिए हमें मोटर की स्टार्टिंग करंट की वैल्यू पता होना चाहिए कि मोटर की स्टार्टिंग करंट क्या है, उस बेस पर हम
उस फ्यूज की कैपेसिटी या रेटिंग डिसाइड करते हैं कि कितनी रेटिंग का आप फ्यूज इस मशीन के इंस्टॉलेशन में यूज करेंगे। एक चीज ध्यान रखने वाली चीज ये है कि फ्यूज की रेटिंग कभी भी इस केबल के रेटिंग से ट्वाइस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जब स्टार्टिंग करंट की बात करते हैं ये डिसाइड करती है कि फ्यूज़ की कैपेसिटी क्या है, और फुल लोड करंट की बात करते हैं तो ये डिसाइड करता है केबल, जिस केबल के थ्रू मोटर कनेक्ट है उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। बट यहाँ पर एक बस ये ध्यान रखना है कि फ्यूज़ की जो रेटिंग होती है वो इस केबल की रेटिंग के ट्वाइस मल्टीपल में ना हो या दुगने की ना हो, उससे कम की ही वैल्यूज़ में रखा जाए, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इज कि आप केबल का साइज कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। ना केबल के साइज को डिसाइड करने के लिए एक चीज ध्यान रखी जाती है कि केबल का साइज मोटर की करंट रेटिंग कैपेसिटी का अप्रोक्सीमेट 150%, ठीक है। अगर जो मोटर की आपकी फुल लोड करंट रेटिंग है उसका अप्रोक्सीमेट 150% हम रखते हैं, जो भी आपकी वैल्यू आती है वो आपके डिसाइड करती है कि किस करंट रेटिंग की केबल साइज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लाइक अगर आप डीसी मोटर के केस में बात करें, फॉर एग्जांपल डीसी मोटर, एक डीसी मोटर है जो कि मान लीजिए 400 वोल्ट डीसी पे वर्क कर रही है, या 15 एचपी की मोटर है और मान लीजिए 80 उसकी इफिशेंसी है, ठीक है। तो इसकी अगर आप करंट निकालें तो उसकी करंट क्या हो जाएगी, रेटेड एचपी आपका कितना था 15, तो 15 × 735.5 आप किलोवाट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस 15 × 735.5 ये आपकी आ जाएगी रेटेड आउट पावर। 400 वोल्ट का मतलब है यूजुअली हम लोग 415 कंसीडर करते हैं, देन एफिशिएंसी हमने बताई कि 80% है, तो यहाँ से आपकी करंट आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 33.2 एम्पियर। सो ये आपकी 32.2 इस डीसी मोटर की रेटेड करंट आ गई, ठीक है। तो अगर आप करंट कैपेसिटी या करंट कैरिंग कैपेसिटी केबल के डिसाइड करने जा रहे हैं तो इसका 1.5 टाइम्स हम लेंगे करंट कैपेसिटी, तो इसकी केबल की साइज़ कितनी होगी, 33.2 × 1.5 ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 50 एम्पियर, 49.8 एम्पियर। तो 49.8 एम्पियर रेटिंग की हम केबल डिसाइड करेंगे या केबल को यहाँ पर लेंगे। अब 49.8 एम्पियर की रेटिंग की केबल का क्या साइज रहेगा, इसके लिए आप अपने जो आपको चार्ट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उसको देख लीजिएगा। तो दो आपके केबल्स आ रही हैं बेसिकली, एक आती है 7 × 1.63 mm कॉपर कंडक्टर केबल जिसकी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट 53 एम्पियर होती है, और दूसरा आपकी जो केबल साइज है वो है 7/2.24 mm का एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। दिस इज कॉपर कंडक्टर एंड दिस इज एल्युमिनियम कंडक्टर, इसकी करंट रेटिंग कैपेसिटी है 59 एम्पियर। दोनों ही आपके जो एम्पियर करंट रेटिंग है वो इसके इसमें पास कर जाएंगे और दोनों ही आपके इसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, ट्वाइस अ टाइम के बियॉन्ड्स नहीं जा रहे हैं। सो इस ऐसे आप डिसाइड करोगे कि करंट कैरिंग कैपेसिटी किसी मशीन की फुल लोड करंट क्या है, उस मशीन की फुल लोड करंट के बेस पे हम उसकी केबल का डिसाइड करेंगे। अगर आप सिंगल फेज मोटर की बात करें, सिंगल फेज मोटर में मान लीजिए एक हमारे पास मोटर है, 5 HP की मोटर है, ठीक है, 5 HP की है, 240 वोल्ट पे है, और लेट की 75% उसकी इफिशेंसी है। सो इन दैट केस योर करेंट रेटिंग विल बी 5 × 735.5 upon, यहाँ पे चूँकि आपकी AC मशीन है तो पावर फैक्टर की वैल्यू भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। लेट सपोज कि पावर फैक्टर आपका 0.8 है, ठीक है, तो दिस 5 × 735.5 upon 0.75 विच इज़ इफिशेंसी, दिस इज़ योर वोल्टेज एंड दिस इज़ योर पावर फैक्टर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 25.5 एम्पियर। ये 25.5 एम्पियर की जो करंट है ये आपकी फुल लोड करंट है सिंगल फेज मोटर के केस में। तो जब आप केबल की कैलकुलेशन करेंगे, केबल करंट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, सो दिस 25.5 × 1.5 इक्वल्स टू 38.23 या 38.23 एम्पियर। तो ये आपकी करंट रेटिंग कैपेसिटी डिसाइड कर रही है केबल की, ठीक है। अगेन वी हैव
टू वायर साइज 7/1.44 mm कॉपर वायर जिसकी करंट रेटिंग कैपेसिटी 43 एम्पियर है और 7/1.70 mm एल्यूमिनियम वायर, ठीक है, इसकी करंट रेटिंग कैपेसिटी भी आपकी 43 एम्पियर है। तो दोनों ही आपके यहाँ पे केबल साइज इस टाइप की मशीन को या इस टाइप की मशीन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। थर्ड केस में अगर आप थ्री फेज एसी मोटर की बात करें तो थ्री फेज एसी मोटर के केस में लेट सपोज एक थ्री फेज एसी मोटर है, 415 वोल्ट है, 10 एचपी की मोटर है, एफिशिएंसी मान लीजिए 85% है और उसकी पावर फैक्टर मान लीजिए 0.8% है, ठीक है। सो इन दैट केस योर करंट और फुल लोड करंट विल बी दिस इज 10 × 735.5 / 3 × 415 × 0.85 × 0.8। तो यहाँ से आपकी करंट आ गई 15 एम्पियर, ठीक है। सो 15 एम्पियर करंट है जिस लाइन वोल्टेज 415 के क्रॉस इस थ्री फेस मोटर की फुल लोड वैल्यू। तो करंट कैपेसिटी अगर आप केबल की यहाँ से डिसाइड करें सो इट इज़ 15 एम्पियर × 1.5, ये आ जाएगा 22.5 एम्पियर की करंट रेटिंग। अब 22.5 एम्पियर की जो आपकी करंट है उसके लिए जो चार्ट से आप देखिएगा तो आपके पास दो वायर साइज होंगे, 7/1.06 कॉपर के लिए जिसकी कैपेसिटी होगी 28 एम्पियर एंड 7/1 कोर की भी केबल ले सकते हैं, 1/1.228 mm का एल्युमिनियम वायर, तो उसकी करंट कैपेसिटी होती है 27 एम्पियर। तो ये दोनों ही केबल आपके इस पर्टिकुलर रेटेड मशीन के लिए यूजफुल है। सो दिस इज़ योर की हाउ वी कैन डिसाइड द केबल साइज, उसके लिए आपको मोटर की करंट की फुल लोड वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, सारे मोटर की रेटिंग आपको पता होना चाहिए, उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि केबल जिस कंड्यूट से पास हो रहा है उस कंड्यूट का साइज क्या होगा। सो कंड्यूट का साइज बेसिकली आपके डिपेंड करता है दो पॉइंट पे। पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ केबल कितने इंस्टॉल्ड होंगे इस कंड्यूट के थ्रू, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ केबल आप इस कंड्यूट से पास करेंगे। जहाँ से आपकी वायरिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पे कभी दो केबल आपकी जाएंगे इस कंड्यूट के अंदर से, ठीक है। आगे हो सकता है कि यहाँ पे आपके चार कंड्यूट पास करें, फिर चार वायर केबल जाए, फिर हो सकता है मोटर के पास आपके छः कंड्यूट यहाँ से पास करें। तो यहाँ पर नंबर ऑफ दो हैं, यहाँ पे चार हैं, यहाँ पे छः हैं, तो ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कितने mm स्क्वायर का कंड्यूट आपको चाहिए। सेकेंड थिंग कि पर जो केबल है या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया फिर से डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट ऑफ करंट को वो बियर कर रहा है, किस मोटर को पे आप लगा रहे हो तो उस मोटर के लिए कितने अमाउंट ऑफ करंट के केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो पॉइंट हमको बेसिकली कंड्यूट के साइज़ बताते हैं कि कितनी केबल आप पास कर रहे हो पहली चीज़, और हर केबल का करंट रेटिंग कैपेसिटी क्या है या उसके अकॉर्डिंग उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम फ्यूज़ की रेटिंग को डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ फ्यूज विच टू बी इंस्टॉल्ड बिफोर दिस मोटर। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब आप फ्यूज़ की रेटिंग को डिसाइड करते हैं तो डिसाइडिंग क्राइटेरिया अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए बेसिकली मोटर में जो स्टार्टिंग करंट है उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू पर हम डिपेंड करेगा कि मोटर की जो फ्यूज़ हम कनेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी। अगेन जो स्टार्टिंग करंट है वो आपकी फुल लोड करंट से अप्रॉक्सीमेट 1.5 टाइम्स होती है, ठीक है। सो अगेन लेट सी कि अगर कोई एग्जांपल ले लें कि थ्री फेज की मशीन है, 415 वोल्ट पे वर्क कर रही है, 10 HP की इंडक्शन मोटर है, हॉर्स पावर इसकी वैल्यू है 10 HP, 75% जो भी आपने कैलकुलेट किया था कि 75% एफिशिएंसी है एंड 0.8 फैक्टर आपका पावर फैक्टर है, तो इस केस में आपकी जो लाइन करंट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 10 × 735
0.5 upon this root 3 415 into 0.8 and this efficiency 0.75. तो यहाँ से आपकी करंट आ गई 17 एम्पियर, ठीक है. सो दिस इज योर फुल लोड करंट. अब स्टार्टिंग करंट विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ दिस 17 एम्पियर, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 26.6 एम्पियर. तो अब आप जो फ्यूज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इट शुड बी 26.6 एम्पियर रेटिंग, ठीक है. तो आपके फ्यूज़ की रेटिंग फिक्स होती की जाती है. फ्यूज़ की रेटिंग्स हमारी जो नॉर्मली होती है वो फिक्स होती है. वो वैल्यूज़ आपके 15 एम्पियर की हो सकती है, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर एंड सो ऑन, ठीक है. तो बीच की रेटिंग का कोई फ्यूज़ हमें नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे आप 30 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज़ इस्तेमाल करेंगे. सो ये आपके हो गए कि आप फ्यूज़ की रेटिंग के अकॉर्डिंग कैसे ही आप कैसे फ्यूज़ की रेटिंग को सेलेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि स्टार्टर की या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की या मेन स्विच की रेटिंग क्या होंगी. तो उसके लिए लेट सी फर्स्ट द पॉइंट कि डिसाइडिंग द स्टार्टर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड मेन स्विच. सो इसके लिए बेसिकली हमारे पास स्टार्टर का क्या रोल होता है, मोटर की स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना, या इन जनरल आप कह सकते हैं मोटर की स्टार्टिंग स्टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप सेपरेटली सप्लाई देते हो एंड मेन स्विच आपके सबसे पहले लगा होता है एनर्जी मीटर के जस्ट बाद. तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ से कितनी मशीन्स को कनेक्ट किए हो. लाइक यहाँ पे 1, 2, 3 तीन मोटर कनेक्टेड है, तीनों की रेटिंग देख लीजिए. तीनों की रेटिंग के अकॉर्डिंग फाइनल आपकी जो करंट आ रही होगी वो उस करंट पे डिपेंड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का करंट रेटिंग क्या है. सिमिलरली मेन स्विच भी यही डिसाइड करेगा, क्योंकि मेन स्विच से आपने कई सारे कनेक्शन दिए, कई सारे आपने मोटर को कनेक्ट किया है. तो सारी मोटर के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस मेन स्विच में जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप मेन स्विच की रेटिंग को डिसाइड करेंगे, मेन स्विच के करंट की रेटिंग को डिसाइड करेंगे. स्टार्टर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टार्टर्स होते हैं. लाइक अगर आप इंडक्शन मोटर की बात करें लो रेटिंग की, तो लो रेटिंग में आपके ड्यूअल स्टार्टर यूज़ किए जाते हैं. लो रेटिंग का मतलब ये है कि 5 HP से बिलो, 5 HP से नीचे. और मीडियम की जहाँ 5 से 15 HP की अगर आप बात करें तो वहाँ पे आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं. इसके ऊपर की रेटिंग के लिए अबव द 15 HP के लिए आप ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज़ करते हैं. नाउ डिपेंड करता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है कि स्क्वायरल केज. दीज आर योर स्क्वायरल केज. स्लिप रिंग के केस में हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज़ करते हैं. तो सभी मोटर के लिए अलग अलग हम स्टार्टर की वैल्यू स्टार्टर को यूज़ करते हैं. तो उसके लिए अलग अलग आपकी स्टार्टर की रेटिंग्स हैं. ये प्री डिफाइंड रेटिंग्स है. लाइक दिस ड्यूअल स्टार्टर 5 HP के लिए, स्टार डेल्टा 5 से 15 के लिए, उसके अबव के लिए ऑटो, स्लिप रिंग के लिए रोटर. अब इंडक्शन DC की अगर आप बात करें DC मोटर में, तो अगर आप सीरीज मोटर की बात करें तो उसमें 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं. एंड शंट और कंपाउंड के लिए आप 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर को हम यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली कि हर मशीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टर ऑलरेडी आपके मार्केट में है, या ऑलरेडी हमारे हमारे कॉन्सेप्ट में है, हमारे प्रिंसिपल्स में है. और उनकी हर स्टार्टर की उसी के अकॉर्डिंग आपकी करंट रेटिंग डिसाइड की गई है. नेक्स्ट वी हैव कि कॉस्टिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इंस्टॉलेशन की कैसे जाती है. ये तो आपके फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर पे हम काम करते हैं. अब इतने फैक्टर की कैलकुलेशन के बाद हम मटेरियल की कॉस्टिंग करते हैं. लेट जस्ट फर्स्ट राइट इट डाउन द पॉइंट. सो सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद अपने इंस्टॉलेशन की रेटिंग आपने निकाली, फिर केबल निकाल ली, फ्यूज़ की रेटिंग निकाली, मशीन की रेटिंग निकाली, स्टार्टर की रेटिंग निकाली. सब ईच सारी रेटिंग आपकी डिपेंड कर रही थी करंट के ऊपर, ठीक है. तो सारी कैलकुलेशन होने के बाद लास्ट में हम आते हैं कि कॉस्टिंग क्या करें हैं वायरिंग इंस्टॉलेशन की. जब हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात करते हैं जहाँ पे मोटर्स कनेक्टेड है, सिंगल और मल्टीपल नंबर ऑफ मोटर्स कनेक्टेड है, तो उसकी कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो कॉस्टिंग में सबसे पहला आता है मटेरियल की कॉस्टिंग क्या होगी, और उसके बाद होगा लेबर की कॉस्टिंग क्या होगी. तो मटेरियल पहले तो आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट ऑफ मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ रही है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है. लाइक अगर आप मोटर इंस्टॉलेशन की बात करें तो आपको वहाँ पर
टीपीआईसी स्विच के स्विचेस की जरूरत पड़ेगी, फ्यूजेस की जरूरत पड़ेगी, केबल की जरूरत पड़ेगी, कंड्यूट की जरूरत पड़ेगी, कंड्यूट को होल्ड करने के लिए शेडल, ये सारे मटेरियल्स जो होते हैं इन सारे मटेरियल्स में कैलकुलेट कर लेंगे पहले मार्केट से कि हर एक मटेरियल का रेट कितना है और कितनी क्वांटिटी आपको मटेरियल की लग रही है। तो उसकी एक टेबल बनाने के बाद आप फाइनल आ जाएंगे कि इस मटेरियल का ये रेट, इस मटेरियल की क्वांटिटी ये, फाइनल हम लोग पॉइंट पे आएंगे कि हमको टोटल इतने रुपीस के मटेरियल की आवश्यकता है इस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बाद। उसके बाद मटेरियल लगाने के लिए आपको डेफिनेटली लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप इंस्टॉल किससे करेंगे, सो लेबर की कॉस्टिंग भी इसमें आएगी। इसमें क्या सभी इंस्टॉलेशंस में आती है कि लेबर की कॉस्टिंग क्या है, अगर आप कंड्यूट में वायरिंग कर रहे हो या फिक्सेशन कर रहे हो या मेन स्विच इंस्टॉल कर रहे हो, स्टार्टर इंस्टॉल कर रहे हो, अर्थिंग का अरेंजमेंट कर रहे हो सभी, या कोई सिविल वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क करने के लिए आपको वहाँ पे लेबर के लेबर की कॉस्टिंग भी करनी पड़ेगी, लेबर को भी वेजेस देना पड़ेगा। तो इसका एक एक ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसका एक शेड्यूल रेट लिया जाता है अपने पीडब्ल्यूडी से या सीपीडब्ल्यूडी से। लेट सपोज कि एक इलेक्ट्रीशियन एक हेल्पर के साथ दो दिन के अंदर किसी इलेक्ट्रीशियन एक मोटर को इंस्टॉल करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन एक हेल्पर के साथ दो दिन के अंदर एक मोटर को इंस्टॉल करता है, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ मोटर का इंस्टॉलेशन कराना है या कितना वर्क कराना है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपको कितने इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ेगी या कितने दिन आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज फॉर वन इलेक्ट्रीशियन एंड हेल्पर टू कंप्लीट द होल इलेक्ट्रीशियन वर्क इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोटर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड एंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर वन इलेक्ट्रीशियन एंड हेल्पर टू इंस्टॉल अ मोटर। एक के लिए आपको पता है, ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन बता रहे कि कितने आपके पास मोटर हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके कि कितने लेबर की आपको कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक लेबर की कॉस्ट आपको मार्केट से पता चल जाएगी, मान लीजिए 300 रुपये है आपकी इलेक्ट्रीशियन की, हेल्पर की मान लीजिए 200 रुपया है, तो 300 200 ये हो गया 500, ठीक है, दो दिन काम ये लोग कर रहे हैं तो 1000 रुपये का आपका लेबर कॉस्ट लग रहा है एक मोटर के स्टार्टर इंस्टॉलेशन में, ठीक है। अगर आपके कई मोटर्स हैं तो ये आप सेम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, कितने दिन आपका वर्क चलेगा, कितने मोटर इंस्टॉल करनी है, फाइनल आपकी जो लेबर कॉस्ट आ जाएगी, तो दैट लेबर कॉस्ट एंड दैट मटेरियल कॉस्ट ये आपका डिफाइन करेगा टोटल वायरिंग की इंस्टॉलेशन में कितनी कॉस्ट आई। अब इस कॉस्ट के आने के बाद हम उसमें कुछ 10% कंटीजेनियस चार्जेस भी ऐड कर देते हैं क्योंकि इनका आपको प्रीडिफाइंड नहीं होता ये कहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट कैसे इंक्रीज कर जाती है समहाउ, कभी कभी मार्केट में जो आप सर्वे करके रेटिंग लेके गए होते हो या वैल्यूज़ लेके गए होते हो वो वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाती है मार्केट के अकॉर्डिंग या टाइम टू टाइम वैरी करती रहती है, तो सब 10% कंटीजेनियस चार्जेस हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद कहीं फाइनल आप आते हो अपने प्रोजेक्ट के कॉस्टिंग के ऊपर। सो दिस बेसिकली द डिज़ाइन कंसिड्रेशन की जब आप कैलकुलेट करने जाते हो किसी मोटर की या किसी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हो। ओके, सो इन नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कंसिडर करेंगे, लाइक सिंगल मोटर का न्यूमेरिकल ले लें या 3-4 मोटर ले लें एक फ्लोर प्लान में, वर्कशॉप में या फैक्ट्री में, और चेक करेंगे कि उसके इंस्टॉलेशन में क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है और क्या क्या उसमें कॉस्टिंग की फैक्टर्स को आपको ध्यान रखने हैं। टिल देन थैंक यू फॉर दिस सेगमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, माई चैनल पॉलीटेक गुरु, एंड शेयर इट टू योर कलीग्स।